वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे बाइनरी एडिशन, दो बाइनरी नंबर्स का एडिशन कैसे होता है। तो इसके लिए पहले एक प्री डिफाइंड रूल्स हैं जो बहुत ही इजी है। आपको अगर वो रूल्स याद रह जाएंगे तो आप इजीली कोई भी बाइनरी नंबर का एडिशन कर पाएंगे। तो देखते हैं, चलिए। तो ये रूल्स है, 0+0 इज इक्वल टू 0, 0+1 इज इक्वल टू 1, 1+0 इज इक्वल टू 1 एंड 1+1 इज इक्वल टू 1, 0, यानी 1 को आगे कैरी हो जाएगा। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल। देखो, मैंने जैसे कि मैं इधर लिख रही हूँ 101, ये कोई भी बाइनरी नंबर आप ले सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है आपको ये जो साइड में रूल्स लिखे हैं वो आपको याद होने चाहिए। अगर एग्ज़ाम्स में आप ये रूल्स कोई भी रफ पेज में साइड में लिख लेंगे तो आप इजीली फटाफट से कर पाएंगे। तो 1+0 क्या है, 1000 एंड 1+0 क्या होगा रूल्स के हिसाब से, 1+0 इज इक्वल टू 1 एंड 0+1 इज इक्वल टू 1 एंड 1+0 इज इक्वल टू 1। तो देखिए कितने आसानी से आप हमने एडिशन कर लिया। अब चलिए देखते हैं कि ये कैरी का जो है वो कैसे होता है। तो इसमें कोई भी बाइनरी नंबर एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे कि मैं ये ले रही हूँ, कोई भी नंबर ले सकते हैं, 00111। अब इसका हम एडिशन करेंगे तो 1+1 यानी 1 के आगे कैरी आ जाएगी 10। तो नीचे 0 लिखेंगे, ऊपर 1 लिखेंगे, ये 1 कैरी हो गई। अब 3 1 हो गए हैं, तो जो दो क्वेश्चन वाले 1 है पहले उसको करेंगे सॉल्व। तो 1+1 यानी 0, अभी 0 को फिलहाल साइड में लिख लेंगे, जो ऊपर कैरी उसको 0 के साथ प्लस कर लेंगे, फिर उसकी कैरी आगे चली जाएगी। फिर 1+1 0 कैरी टू 1, वापस अभी जो क्वेश्चन में 2 1 है उसको पहले प्लस करेंगे, तो उसका 0 साइड में पहले लिख लेंगे, फिर ऊपर की जो कैरी है उसको उस 0 के साथ प्लस करेंगे, तो क्या आएगा, 0+1 इज इक्वल टू 1। फिर कैरी आगे जाएगी, 1+0 करेंगे, फिर 0+1 इज इक्वल टू 1 एंड 1+0 इज इक्वल टू 1। तो ये रहा हमारा आंसर। थैंक यू एवरीवन। Do like, share and subscribe.